मध्य प्रदेश सरकार को आखिर निर्णय करना ही पड़ा और आदेश कर प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जाए। और आबकारी विभाग भी निर्देश जारी कर सभी शराब ठेकेदारों को कहा कि पीने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बेचने का कार्य करेंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन हर जगह प्रत्येक दुकानदार करेगा। जैसा कि आदेश को लेकर एक वर्ग ऐसा भी है जो चाय पान और नाश्ता होटल शेष रह गया, बाकी जिन्हें अनुमति नहीं मिल रही है। ये वर्ग आज शराब दुकान देख मायूस नजर आए। शायद इनके व्यवसाय से सरकार को ज्यादा लाभ नहीं है, वरना पान मसाला और चाय नाश्ता के दुकानदार को भी सरकार परमिशन दे देती। एक ओर जहां समाज के लिए धार्मिक स्थल बंद, शिक्षा संस्थान बंद, पाठशाला बंद, वही मधुशाला खुल गई। सरकार के इस निर्णय को कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस नेता कटनी जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। जिला यादव और महासभा अध्यक्ष और दुग्ध संघ अध्यक्ष चाय विक्रेता संगठन के अध्यक्ष हाजी मुन्ना भाई उर्फ अब्दुल कादिर ने आज शराब की दुकानें खोलने की अनुमति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिया और कहा कि हम लॉकडाउन में दूध और चाय वाले बहुत नुकसान उठा चुके हैं, अब हमें भी अनुमति दिया जाना चाहिए ताकि चाय की दुकान से जुड़े कर्मचारी भी अपना जीवन भरण पोषण अब सही से कर सके। मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति की मांग जिला चाय संघ ने भी किया। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, संवाददाता कटनी। अभी कटनी में शराब की दुकानें पूरे मध्य प्रदेश खोली गई, कटनी में दुकानें खोली देखी गई, तो क्या शराब की दुकानों के लिए मौद्रिक स्तर की क्षमता कितनी है, उनका बौद्धिक स्तर कितना है, ये तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर बंद हैं, सारी चीजें बंद हैं और शराब की दुकानें इनने खोल दी हैं। लगातार शराब की दुकानें कोरोना को अपनी तरफ आमंत्रित कर रही हैं, लोगों का जमावड़ा लग रहा है, लोग दारू पीकर झूमने को तैयार हैं, कोरोना को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार है। ये तो मध्य प्रदेश की नहीं, शिवराज सरकार की योजना ही पूरी तरीके से फेल है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने में फेल हो चुका है और ये पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि सरकार बनाने के चक्कर में केवल इन लोगों ने जनता की आहुति दे दी और कोरोना को न्योता दिया हमारे मध्य प्रदेश में। और देखा जाए तो ट्रंप की सलामी को, ट्रंप को सलामी देने के चक्कर में और विधायकों को नीलामी के चक्कर में पूरा देश आज कोरोना से जूझ रहा है। आप एनयूसीआई के जिला अध्यक्ष हैं अंशु मिश्रा जी, आपने बहुत लोगों को खाना भी पहुंचाया, राहत सामग्री दिया, अब देखा जा रहा है आपने लोगों को नकद। जैसा कि लॉकडाउन जब से जारी हुआ है तो दूध जितना आपके यहाँ उत्पादन होता था डेयरी वालों के, जैसे डेयरी संघ के अध्यक्ष भी हैं आप, तो दूध की मात्रा तो बढ़ी, दूध की खपत कम, क्या करते दूध का आप लोग? दूध को हम लोगों ने जब मार्केट में नहीं चला दूध तो हम लोगों ने डेयरी वालों अपने जानवरों को ही पिला दिया या मोहल्ले में हम लोगों ने उसको बांट दिया। चाय की दुकानें बंद होने से आपके कर्मचारी जो आप पे यहाँ काम करते थे उनको भी प्रभावित हुए होंगे? वो भी प्रभावित हुए, वो भी 40 दिन से घरों में बैठे हैं, न उनके पास रोजगार है, न नौकरी है, न उनके पास पैसे हैं, न थैले हैं, न उनको कोई प्रशासन मदद कर रही है, न आसपास की कोई संस्था उनको मदद कर रही है। होटलें बंद हैं तो आप लोग दूध की खपत हो नहीं पा रही थी? नहीं हो पा रही, नुकसान हो रहा था आप लोग? ये नुकसान तो हुआ हम लोगों ने, अब नुकसान तो इतना हुआ है कि दूध वाला कुछ। जैसा शराब की दुकानों की अनुमति मिलगी पूरे मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज सरकार में, तो क्या आप लोग भी आशा करते हैं या मांग करेंगे कि आप लोग दुकान खोले? शराब की दुकान खुली हुई देखते हुए हम लोग आशा करते हैं प्रशासन, जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश से, कि हम लोग को भी चाय की दुकान खोलने की अनुमति देने के निहायत जरूरी है। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल कादिर मुन्ना बाजार, स्टेशन रोड कटनी। मैं डेयरी दुग्ध विक्रेता संघ का भी अध्यक्ष हूँ, चाय एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ।